This video is sponsored by KW Delhi 6. Hi friends, I am Nidhi Bakshi and you are watching Pink Talk. Dear friends, last time हमने बात की थी body shapes और उनके according dresses की और आज हम बात करेंगे उससे आगे की। तो क्या एक अच्छी ड्रेस पहनना ही बहुत होता है? तो मैं कहूंगी नहीं। एक अच्छी ड्रेस के साथ साथ जरूरी होती है अच्छी एक्सेसरीज। ये एक्सेसरीज ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को बल्कि आपकी ड्रेस को भी एनहेंस करती हैं। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि एक्सेसरीज आखिर क्या होता है। एक्सेसरीज सिर्फ ज्वेलरी नहीं होता। आप जो कुछ भी हेड टू टो मैचिंग का पहनते हैं सभी कुछ एक्सेसरीज ही कहलाता है। मतलब आपका हेड गियर, आपके सनग्लासेस, आपका रेस्ट वॉच, आपका हैंडबैग, आपके फुटवेयर, आपकी वेस्ट बेल्ट, यहाँ तक कि आजकल जो यंग फीमेल्स पहनती हैं नेल एक्सटेंशंस, फॉल्स आई लैशेस, कलर्ड कॉन्टेक्ट लेंसेस, सभी कुछ एक्सेसरीज में ही इंक्लूड होता है। क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी दुकान बुक कीजिए KW Delhi 6 में। Grab double bonanza offer. Offer valid till 31st July 2020. Hurry! जिस तरह से ड्रेसेस का एक ट्रेंड आता है जिसे हम फैशन कहते हैं, उसी तरह एक्सेसरीज का भी ट्रेंड आता है। जैसे आजकल सब कुछ बड़ा बड़ा चल रहा है, आपके बड़े सनग्लासेस, आपका रिस्ट वॉच का बड़ा डायल, आपका बड़ा हैंडबैग। इसके साथ साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं, ऐसी एक्सेसरीज हैं जो मस्ट हैव आपके पास होनी चाहिए इफ यू वांट टू लुक ट्रेंडी। आपके पास होना चाहिए एक थिक हेड बैंड। ये थिक हेड बैंड, हेयर बैंड इस तरीके का है, मेटालिक कलर्स में, फ्लोरल में, प्रिंटेड में, प्लेन कलर्स में अवेलेबल है और ये बहुत ही ट्रेंडी लगता है। कहीं आप जा रहे हो, एकदम समझ नहीं आ रहा कि क्या हेयर स्टाइल करें, तो ये आपको एक परफेक्ट लुक देता है। इसके अलावा आपके पास होने चाहिए नेक स्कार्फ्स, ये भी प्रिंटेड कलरफुल बहुत कलर्स में अवेलेबल हैं, तो 3-4 पीसेस आपके पास जरूर होने चाहिए। साथ में आपके पास होनी चाहिए एक ब्रॉड बेल्ट, ये भी आजकल बहुत ट्रेंड में है और हर चीज के साथ चलती है। आपके वेस्टर्न के साथ तो चलती ही है, साथ में साड़ीज के साथ बहुत अमेजिंग लगती है। और आपके पास होने चाहिए गम बूट्स, एक पेयर गम बूट का आपके पास जरूर होना चाहिए। आजकल ये बहुत सारी लेंथ में, फ्रॉम एंकल टू नी लेंथ, बहुत सारी लेंथ में अवेलेबल हैं। आप एक दो पेयर जितना चाहे ले सकते हैं, बट एक पेयर आपके पास जरूर होना चाहिए। इसके बाद अगर हम ट्रेडिशनल ड्रेसेस की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्लचेस या पोटलीज, जो गुजरात या कलकत्ता की एम्ब्रॉयडर्ड हैंडमेड पोटलीज और क्लचेस होते हैं, वो जरूर आपके पास होने चाहिए। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो बहुत ही अमेजिंग है, वो है इस तरीके का रबर बैंड। यू नो, कई बार हम हेयर स्टाइल बनवाने का टाइम नहीं होता, हम कहीं जा नहीं पाते हैं, तो इस स्टाइल ये रबर बैंड्स आपके हेयर कलर के हिसाब से अवेलेबल हैं। आप हेयर बन बनाइए, आगे थोड़ा सा पफ बनाइए या पिनअप कर लीजिए बालों को, और अपने बन के ऊपर ये लगाइए तो आप एकदम ट्रेंडी लगेंगे और कोई भी नहीं गेस कर पाएगा कि आपने किसी हेयर स्टाइलिस्ट से नहीं, ये खुद कर लिया है। और अब हम बात करते हैं ज्वेलरी की और उसमें भी नेकलेसेस की। ये नेकलेसेस कैसे लेने चाहिए ये अब मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा नेकलेसेस कुछ अलग अलग लेंथ में आते हैं। एक्चुअली ये 3 लेंथ में आते हैं जो हमारे फोकल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो अब हमारी फोकल पॉइंट्स क्या होते हैं? हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट है, आपको इस तरह से मेजर करना चाहिए, फोरहेड से लेके हमारा नोज तक स्ट्रेट रहिए और अपनी चिन से लेके जहां तक भी आपका ये थंब आ रहा है, यानी कि ये मेरा है फर्स्ट पॉइंट। इसको 3 बार टैप कीजिए, 1, 2, 3। आपका माइंड बहुत शार्प है, इसको हमेशा याद रखेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है ये, यानी कि आप कोई भी चेन लेते हैं, उसके साथ पेंडेंट भी अगर लेते हैं, तो वो यहां तक आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हमारा पूरा फेस होता है, अगर आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप मेजरिंग टेप की हेल्प से इसको मेजर कीजिए।
यानी कि मेरा सेकेंड पॉइंट है ये। थर्ड पॉइंट हमारा ये साथ में इंक्लूड हो जाता है, दैट मीन्स दिस। तो मेरे 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको भी अपनी ज्वेलरी लेनी चाहिए। तो ये थे हमारे आज के कुछ एक्सेसरीज के टिप्स। इसके साथ ही ये भी मैं बताना चाहूंगी कि एक्सेसरीज जितनी कम हो, मिनिमम हो, वो अच्छी लगती हैं। तो नेक्स्ट टाइम फिर किसी लाइफस्टाइल टॉपिक के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 8010908888. Thank you.